अरुंगा हिल्स गुजरात का फेमस हिल स्टेशन, पिलग्रिमेज सेंटर, धार्मिक स्थल और पिकनिक स्पॉट है। यह मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के खेराऊ स्थान पर स्थित है। वैसे तो यह एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन मॉनसून सीजन में इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और घूमने का आनंद दोगुना हो जाता है। तारंगा हिल्स अहमदाबाद से लगभग 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने में आपको कोई 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। आप अपनी 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का प्रयोग कर सकते हैं। तारंगा हिल्स जाने के लिए जिस रूट को आपको फॉलो करना है वो है अहमदाबाद विशनगर। ट्रैवलिंग रूट काफी आनंदमय है। गांव का सुंदर परिवेश, खेत खलियान, चारों ओर हरियाली और रास्ते में आते छोटे मोटे ढाबे और दुकानें। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने कैमरा को कैप्चर मोड में ही रखिए, ताकि ब्यूटीफाइंग परिवेश को अपनी यादों में कैद कर सके। तारंगा हिल्स मुख्य रूप से जैन धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है। इस हिल स्टेशन पर समय गुजारने के लिए आपको लगभग एक पूरा दिन चाहिए। हमने ये यात्रा सुबह के 8 बजे शुरू की थी और अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी जगह पार्किंग के लिए दी गई है। ये सामने भोजनालय की सुविधा है, जिसमें सात्विक गर्मा गर्म भोजन परोसा जाता है। दोपहर के खाने का समय है सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक। यदि आप हल्का मीठा खाना खाना पसंद करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस भोजनालय में खाने का आनंद जरूर लें। और आप देख सकते हैं, यह है मुख्य भव्य श्वेतांबर जैन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह काफी प्राचीनतम मंदिर है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी अर्थात 11th सेंचुरी में किया गया था, जो कि दूसरे श्वेतांबर मुनि अजीतनाथ को समर्पित है। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। बहुत ही बेहतरीन और बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के भीतर फोटो खींचना निषेध है, इसलिए मैं आपको इसके बाहर का परिवेश दिखा रही हूँ। मंदिर से बाहर निकलकर राइट साइड में लगभग 2 से 3 मिनट की यात्रा के बाद तारंगा हिल्स की सुंदरता का आनंद उठाने और लगभग 500 सीढ़ियों की यात्रा तय करके दिगंबर मुनि श्री पार्श्वनाथ जी भगवान का अर्ध मंदिर है। इस जर्नी को जरूर तय करिए। इतनी एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, नेचुरल ब्यूटी, ऑसम प्लीजिंग वेदर और पीस ऑफ माइंड से भरी है कि आपको हाईली एंटरटेन करेगी। इस छोटे से गेट से एंटर कर आप तारंगा हिल्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत में ही एक तालाब आता है, जहां से मंदिर का पिछला भाग दिखाई देता है। चढ़ाई के साथ साथ रास्ते में बहुत सी जगह आप बैठकर आराम भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तारंगा हिल्स की ब्यूटी का सुंदर और भव्यात्मक नजारा। अद्भुत दृश्य है, एकदम इतना ब्यूटीफुल है, बरसात में जाने जैसे। मॉनसून में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तारंगा हिल्स जरूर मॉनसून सीजन में जाइए और प्रकृति का अद्भुत आनंद लीजिए। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं हैं, जहाँ से होते हुए हम मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। छोटी सी गुफानुमाकार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से ऊपर जाना है। बहुत ही संकुचित सा रास्ता है। बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है। मुझे लगता है हर व्यक्ति जो अहमदाबाद में रहता है, उसे यहाँ पे मानसून में ज़रूर आना चाहिए।
द टॉप ऑफ द टेम्पल नाउ. वंडरफुल, अमेजिंग. बिल्कुल नहीं लग रहा है सितंबर का महीना है, लग रहा है कोई पर्वतीय प्रदेश में आ गए. आप देख सकते हैं कैसे बादल मंडरा रहे हैं.